गगन एक भोला भाला और ईमानदार आदमी था। इसके साथ ही वह दयालु भी बहुत था। गगन गांव के बाजार में छोले भटूरे की ठेली लगाता था, मगर छोले भटूरे बेचकर उसकी कुछ खास कमाई नहीं होती थी। कारण यह था कि उससे गरीब भूखे लोगों की भूख न देखी जाती थी, इसीलिए वह गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिला देता था। अरे भाई, खाओ खाओ, पेट भर कर छोले भटूरे खाओ, मैं गरीब से कोई पैसा नहीं लूंगा। भगवान तेरा भला करे भाई। गगन के इस स्वभाव से उसकी पत्नी राधा और माँ सुधा बहुत परेशान रहती थीं। लो, आज फिर इतनी थोड़ी सी कमाई करके लाए हो, इससे तो घर का खर्च भी ना चलेगा। अरे किसी तरह चला लो राधा। बेटा, अगर तू ऐसे ही गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता रहा तो जल्द ही हमारे भूखे मरने का समय आ जाएगा। मैं क्या करूँ माँ, मुझसे गरीब आदमी भूख से तड़पते नहीं देखा जाता। इनसे कुछ मत कहो माँ जी, इनको समझाना तो दीवार से सिर टकराना है। हाँ, गगन के पास ही मंगत भी छोले भटूरे की ठेली लगाता था। मंगत लालची और कंजूस आदमी था। वह किसी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना तो दूर, किसी के पास 2 रुपए भी कम हो तो भी भटूरे खिलाने से मना कर देता था। इसीलिए जब भी गगन किसी गरीब को फ्री में छोले भटूरे खिलाता तो मंगत को जलन होने लगती और वह सोचता, अरे ये गगन भी कैसा पागल आदमी है, गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर अपना नुकसान ही तो करता है, साथ में मेरा भी नुकसान करता है। अरे ऐसे मुफ्त में छोले भटूरे मिलते रहेंगे तो पैसे देकर खाने को आएगा ही कौन। मंगत रोज रोज गगन को ऐसा करते देख परेशान हो उठता है और एक दिन गगन के पास जाकर उसे समझाने लगता है। क्यों बे, तू कोई धन्ना सेठ है जो गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाकर अपने साथ साथ मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है? क्यों बे मंगत, मैं पैसे लेकर खिलाऊं या मुफ्त में, तुझे क्या? देख ले बच्चों, ऐसे धर्मात्मा बना तो बहुत पछताएगा, पैसे पैसे को तरसेगा तू। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है, मगर फिर एक दिन अचानक ही गगन की माँ सुधा की तबीयत बिगड़ जाती है। गगन और उसकी पत्नी राधा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, आपकी माँ की बीमारी गंभीर है, इसलिए उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पर वे ठीक तो हो जाएंगी ना? अगर आपने इलाज कराया तो जरूर ठीक हो जाएंगी। माँ के इलाज में क्या खर्च आएगा साहब? बस 50,000 तक आएगा। गगन के पास 50,000 रुपए कहाँ से आते? उसने तो कभी पैसे का लालच किया ही नहीं था। वह तो हर आदमी को अपने जैसा मददगार और दयालु समझता था, इसीलिए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या आप मेरी माँ का इलाज बिना पैसे के नहीं कर सकते? अरे मैं डॉक्टर हूँ, कोई धर्मात्मा थोड़ी ना हूँ जो बिना पैसे के इलाज कर दूँ। गगन के लिए 50,000 का इंतजाम करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। वह कई जगह कोशिश करता है मगर खाली हाथ घर लौटता है। राधा उससे पहले ही नाराज रहती थी, अब उसकी यह हालत देख और अधिक नाराज हो जाती है और कहती है, कितनी बार समझाया कि गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे मत खिलाओ, कुछ पैसा जोड़ लो, पर कहां माने, अब भुगतो। देखो राधा, गरीबों को बीच में मत लेकर आओ, किसी की थोड़ी सी मदद करने से कोई कंगाल नहीं हो जाता है। पर तुम्हारी मदद तो किसी ने नहीं की ना, पता नहीं माँ जी का क्या होगा। राधा यह कह ही रही होती है कि तभी मंगत उनके घर आ जाता है। मंगत गगन से कहता है, गगन तेरी माँ का इलाज हो जाएगा भाई। पर पैसे कहाँ से आएंगे मंगत? देख भाई, मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ कि अपने पास से पैसे दे सकूं। हाँ, बिशन लाला से मैं तुझे कर्जा दिलवा देता हूँ। ये तो तेरा एहसान होगा मंगत। मंगत के कहने पर बिशन लाला गगन को कर्ज दे देता है और गगन की माँ का इलाज हो जाता है। माँ घर आने पर गगन को समझाती है और कहती है, बेटा अब तो तेरे सिर पर कर्ज का बोझ है, इसीलिए गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना बंद कर और कर्ज उतारने की लगन कर। आप कितना भी समझाओ बाजी, पर ये बाज नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाला? क्या कर्ज का बोझ मुझे नहीं दिखाई देता? आज से मैं किसी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। यह कहकर गगन अपनी छोले भटूरे की ठेली लेकर बाजार की तरफ चल देता है और उसके खड़े होते ही वहाँ ग्राहक आने लगते हैं।
गगन मन ही मन कहता है, आज तो अच्छी कमाई करके ही घर जाऊंगा। आज एक भी गरीब को मुफ्त में छोले भटूरे नहीं खिलाऊंगा मैं। मगर ऐसा निश्चय करके भी गगन कुछ नहीं कर पाता। अपने दिल और दयालुता से मजबूर होकर उस दिन भी वह गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने लगता है। मुझसे तो गरीब की भूख देखी नहीं जाती, भगवान को जो मंजूर हो करे, पर मैं गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे जरूर खिलाऊंगा। गगन को यह करते देख मंगत मन ही मन खुश होते हुए कहता है, बच्चों अब फंस गया तू मेरे जाल में। अब ना तेरा ठेला रहेगा और ना तेरा घर। तुझे सड़क पर ना ला दिया तो मेरा नाम भी मंगत नहीं। मंगत बहुत ही शातिर था। उसने गगन पर दया करके उसे कर्ज नहीं दिलवाया था, बल्कि उसे फंसाने के लिए कर्ज दिलवाया था। मंगत उसी समय बिशन लाला के पास जाता है और उनसे कहता है, लाला उस गगन को बर्बाद करने का समय आ गया है। तो ठीक है मंगत, आज ही काम बांध देता हूँ उस पगले का। अब देखता हूँ गरीबों को मुफ्त के छोले भटूरे कैसे खिलाएगा। अगले ही दिन बिशन लाला अपने आदमियों के साथ गगन के ठेले पर आ धमकता है और कहता है, सुन बे गगन, सुना है तू यहाँ गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है। क्या करूं सेठ, मुझसे गरीबों की भूख देखी नहीं जाती। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर आज से जब तक मेरा कर्ज चुकता ना हो ये सब बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बिशन लाला यह कहकर चला जाता है, मगर उसके चेताने के बाद भी गगन गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाना नहीं छोड़ता। इसीलिए लाला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, सुन बे, तुझे एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ। एक हफ्ते में पूरा कर्जा नहीं लौटाया तो भरी पंचायत में तुझे 5 जूते लगाऊंगा और तेरे घर और इस ठेली पर कब्जा कर लूंगा, समझा। यह सुनकर तो गगन पर संकट का पहाड़ ही टूट पड़ता है, मगर मंगत और बिशन लाला बहुत खुश होते हैं। क्यों बे मंगत, अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ लाला, आपकी मेहरबानी से गगन तो अब छोले भटूरे बेचना भूल ही जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और गगन को कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। कर्ज चुकाने की चिंता उसे बेचैन करने लगती है। एक दिन वह छोले भटूरे की ठेली लेकर बाजार की तरफ चलता है तो तालाब के किनारे एक बूढ़ा और बुढ़िया मिलते हैं। बूढ़ा गगन को रोक कर कहता है, बेटा हम कई दिनों से भूखे हैं। भूख से प्राण निकले जा रहे हैं, छोले भटूरे खिला दो बेटा। नहीं नहीं, मैं मुफ्त में छोले भटूरे नहीं खिला सकता। अरे मुफ्त कौन खा रहा है बेटा, ये थैली देखो, इसमें काले कंकड़ हैं, हमारे पास तो बस यही हैं। बेटा इन्हें रख लो, भगवान ने चाहा तो तेरा भाग्य खुल जाएगा। उनके बार बार खुशामद करने पर गगन वह थैली लेकर ठेली में रख लेता है और उन्हें छोले भटूरे खिलाकर आगे निकल जाता है। फिर शाम को घर वापस आता है तो सुधा और राधा को चिंतित पाता है। बेटा लाला आया था, हमारी बहुत बेइज्जती करके गया है। मुझे पता है कि आपसे पैसों का इंतजाम ना होगा, अब देखना कल तुम्हारी बेइज्जती कैसे करेगा वो। यह कहकर राधा तो रोने लगती है, मगर तभी सुधा को ठेली से कुछ रोशनी सी निकलती दिखाई देती है। वह हैरान होकर कहती है, अरे यह क्या चमक रहा है तेरी ठेली में? अभी देखता हूँ माँ। यह कहकर गगन ठेली पर रखी काले कंकड़ों से भरी थैली खोलकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है और कहता है, अरे हीरे, ये कंकड़ हीरे कैसे बन गए? अरे ये तो सचमुच के हीरे हैं, ये तू कहाँ से लाया रे गगन? सुधा के यह पूछने पर गगन उसे सारी सच्चाई बता देता है तो सुधा भावुक होकर कहती है, बेटा माफ करना, तुझे हमने गलत समझा, भगवान से तुझे यह तेरी दयालुता का ही फल मिला है। आज के बाद आप गरीबों को खूब खिलाना पिलाना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह गगन को उसकी दयालुता का फल मिल जाता है और वह एक हीरा बेचकर लाला का कर्ज चुका देता है और उस दिन के बाद गरीबों की तन मन से मदद करने लगता है।
कुमुद और लता दोनों की शादी को एक साल बीत चुका था। अब तक दोनों देवरानी जेठानी का तालमेल बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी सास सुप्रिया बड़ी खुश थी। एक दिन सुप्रिया बोली, बड़े मोती दान किए होंगे मैंने जो मुझे ऐसी बहुएं मिली, वरना आजकल की बहुएं तो एक दूसरे को एक आंख नहीं देख सकती। उनका बड़ा बेटा आलोक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और छोटा बेटा सुबोध सरकारी नौकरी करता था। एक तारीख को आलोक की तनख्वाह मिलती थी और कुमुद सारे पैसे ले जाकर लता के हाथ में थमा देती। लो लता, तुम्हारे जेठ जी की इस महीने की तनख्वाह। ये क्या दीदी, आप हर महीने सारे पैसे मुझे थमा देती हो? इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम्हें हिसाब किताब अच्छे से आता है, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था तो तुम ही संभालो। ठीक है दीदी, जब आप मुझे इतना मान देती हो तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। कुछ दिनों बाद आलोक की नौकरी छूट गई। आलोक परेशान रहने लगा। सुप्रिया ने कहा, इतनी चिंता मत करो आलोक, सब ठीक हो जाएगा। वो बात तो ठीक है माँ, लेकिन अब सारा वजन छोटे के कंधों पर आ जाएगा। तो क्या हुआ, भाई है तुम्हारा, मुसीबत के समय भाई भाई के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। एक महीना बीत गया लेकिन आलोक को कहीं काम नहीं मिला। अब लता का स्वभाव बदलने लगा था। लता, आज तबीयत खराब महसूस हो रही है, बुखार लग रहा है। दीदी, अब जेठ जी की नौकरी क्या छूटी आपकी तबीयत खराब रहने लगी। खैर कोई बात नहीं, बर्तन ही तो साफ करने हैं, मैं कर लूंगी। अरे नहीं लता, मैं जाती हूँ रसोई में बर्तन साफ करने। धीरे धीरे लता में मालिकाना अंदाज आता चला गया। ये क्या दीदी, आज आपने दो सब्जियां बना दी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे जेठ जी को सूखी सब्जी के साथ रेशे वाली सब्जी भी चाहिए। दीदी महंगाई बढ़ती जा रही है, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अकेले कमाने वाले और दुनिया भर का खर्चा, आप तो खुद समझदार हैं। माफ करना लता, मैं भूल गई थी कि आजकल मेरे पति घर में बैठे हैं, गलती हो गई, आगे से जो बताओगी वही बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद रसोई से कुछ टूटने की आवाज आई। लता ने जाकर देखा तो कुमुद के हाथ से फिसल कर कांच का गिलास टूटा पड़ा था। दीदी ये गिलास का सेट मेरे मायके से आया था, गिलास तोड़कर तो आपने पूरा सेट ही बिगाड़ दिया, क्या देखकर नहीं धो सकती थी। वो हाथ से फिसल गया लता, मैंने जानबूझकर तो नहीं गिराया। जानती हो कितना महंगा था, आपने तो बोल दिया कि मैंने नहीं तोड़ा। कुमुद इस तरह की बात सुनकर खुद को अपमानित महसूस करने लगी और आंखों में आंसू भरकर कमरे में चली आई। आलोक ने उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछा, कुमुद तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ? लगता है इंसान के पास पैसा है तो ही उसकी इज्जत है, वरना कुछ नहीं। जब से आपकी नौकरी छूटी है, छोटी कितनी बदल गई है, बात बात पर ताने देने लगी है, विश्वास नहीं होता कि ये मेरी वही लता है। कोई बात नहीं कुमुद, एक न एक दिन तो नौकरी मिल ही जाएगी, और तुम बड़ी हो तो उसे बच्ची समझकर माफ कर दिया करो। हाँ यही सोचकर चुप रह जाती हूँ। एक दिन सुप्रिया बोली, लता आज कुमुद की तबीयत खराब है, मैंने देखा उसे बहुत खांसी हो रही है और बुखार भी है, ऐसी हालत में वो काम कर रही है, आज उसे आराम करने दो, काम तुम कर लो। अरे बीमार है तो मैं क्या करूं, उनके झूठे बर्तन गंदे कपड़े मैं क्यों धूं? और रही बात खाना बनाने की, तो वो लोग भी तो खाते हैं, अगर काम नहीं करना तो बेशक अलग हो जाएं, हाँ अब हम उनका खर्चा नहीं झेल सकते। ये क्या कह रही हो बहू, अलग मतलब घर का बंटवारा? वो दिन तुम शायद भूल गई जब कुमुद तुम्हारे हाथ में आलोक की सारी तनख्वाह रख देती थी। तो क्या हम पर एहसान करती थी, हमसे ज्यादा उनके खर्चे हैं। माँ लता सही कह रही है, इस रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा है बंटवारा हो जाए। कुमुद उन लोगों की बातें सुनकर रो पड़ी और बोली, मैं नहीं जानती थी कि लता तुम हमारे बारे में ऐसी सोच रखती हो, अगर तुम बंटवारे में खुश हो तो ठीक है, कर लो बंटवारा। दोनों बहुओं के बीच उनके पति की सहमति से बंटवारा हो गया। लता ने कहा, दीदी
ये रसोई के बर्तन सब मेरे मायके से मिले हैं, और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी। ये आंगन से LCD भी हटाकर अपनी तरफ लगाना पड़ेगा। आप अब अपना देख लेना, ये सब मेरी तरफ रहेगा। अरे कुछ तो रहम खा लता, अभी उनके पास ये सब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ जी, कब तक इन लोगों की तरफदारी करती रहोगी? अगर आपको इन पर इतनी दया आ रही है तो आप भी उन्हीं के साथ रहो। सब सामान का बंटवारा हो गया, जिसमें सभी लता के हिस्से में आया, क्योंकि कुमुद का मायका गरीब था, उसे अपने मायके से ज्यादा कुछ नहीं मिला था। लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था कि काश वह आलोक की तनख्वाह से बचाकर कुछ पैसे अपने अच्छे बुरे समय के लिए बचाकर रखती। कुमुद का पूरा दिन रोते हुए गुजर गया, लेकिन लता बहुत खुश थी, क्योंकि अब ना ज्यादा काम था ना खर्चा। बहू, कब तक रोती रहोगी? शाम हो गई है, आलोक आता होगा, कुछ खाने का इंतजाम करो। कैसे बनाऊं माँ जी, रसोई तो अब लता की है, गैस, चूल्हे सब उसके हैं। हिम्मत मत हारो बहू, आज तुम गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी हो, भगवान सब देखता है, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। हाँ बहू, सुबोध और लता लालची हैं, अच्छा हुआ मेरी संपत्ति के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, अब वह तुम्हारे काम आएगी। वो बातें कर ही रही थी कि आखिरी शब्द आलोक के कानों में पड़े और उसने पूछा, कौन सी संपत्ति माँ? मेरे पिताजी एक सरकारी मुलाजिम थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना रुपया, जमीन, जायदाद सब मेरे नाम कर दिया। तुम छोटे थे तभी उनका देहांत हो गया। मुझे लगता है अब उस संपत्ति को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैं कल ही वो सब निकालती हूँ ताकि तुम अपना कोई बिजनेस शुरू कर सको। लेकिन माँ, ये छोटे के साथ अन्याय होगा। कोई अन्याय नहीं होगा, अगर उसे जरूरत पड़ी तो हम उसकी भी मदद जरूर करेंगे। कुछ दिनों बाद आलोक ने अपनी माँ के नाम से एक कंपनी शुरू की और उनका जीवन अच्छे से गुजरने लगा। एक दिन सुबह लता की जोर से रोने की आवाज आई। वो सब लोग जल्दी से सुबोध के कमरे की तरफ भागे तो देखा कि सुबोध की गर्दन ऐंठी हुई थी, उसके मुंह से झाग आ रही थी और उसका चेहरा तिरछा हो गया था। कुमुद, जल्दी से मेरा पर्स लाओ, सुबोध को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि सुबोध पैरालाइज हो गया है। वह बोल तो सकेगा, लेकिन उसके शरीर के हिस्से पहले के जैसे काम नहीं कर पाएंगे। सुबोध, बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा वो। भैया, भाभी, माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कर्मों का फल है। आप खुद को दोष मत दो, गलती तो मेरी थी। अगर आज जेठ जी सही समय पर इन्हें अस्पताल नहीं लाते तो न जाने क्या होता। लता, तुमने घर का बंटवारा किया था, रिश्तों का नहीं। सुबोध आज भी आलोक के भाई और हमारे परिवार का हिस्सा है, और तुम इस हिस्से का बंटवारा कभी नहीं कर पाओगी। दीदी, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मुझे छोटी बहन समझकर माफ कर दो। मैं आज ही इस बंटवारे को खत्म कर दूंगी, बस सुबोध जल्दी से अच्छे हो जाएं। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब सब घर चलो और फिर से पहले की तरह मिलकर रहो। और फिर से वो लोग पहले की तरह रहने लगे। घर के माहौल और अच्छे इलाज से सुबोध भी ठीक होने लगा। अब उस घर में कभी बंटवारे की बातें नहीं होती थी। अमीर गरीब बहू का बंटवारा फिर से एक प्यार भरे बंधन में बंध चुका था।